हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुंजुवर। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, व्लॉग नहीं है ये, इस व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आज कुछ बातें कर ही लूँ आपसे। आज मतलब बहुत टाइम बाद मैंने सोचा चलो कुछ करना चाहिए। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन बोलने वाले ना कभी नहीं छोड़ते। पहले भी लोगों ने मुझे बहुत बोला, आप लोग दोबारा शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के टाइम पे लोगों को पॉजिटिविटी से क्यों इतनी नफरत है। कोई बंदा अगर अच्छे अच्छे और पॉजिटिविटी वाले और सब कुछ व्लॉग बना रहा है तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है। और मतलब उन उन चीज़ों को आप लोग लेकर आते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग, कि मतलब खोद खोद के उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, उसके। अब मुझे समझ में नहीं आता क्यों। भाई मेरा चैनल है, मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, मैं सबको दिखा रही हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपकी भाभी कहाँ है, छवि कहाँ है, ये मतलब दो ऐसे मुद्दे आप लोगों ने ऐसे उठा रखे हैं। भाभी वाले मुद्दे पे मैं नहीं बात करना चाह रही थी, लेकिन जब लोगों ने हद से ज़्यादा वो कर दिया, क्योंकि अभी मेरे घर वाले आए थे, तो क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, चलो भाभी को नहीं लाते, बच्चों को लाते, बच्चों को लाते, तो मैंने वीडियो में उसमें आप लोगों को बता दिया। वो भी मैंने सिर्फ इससे बताई थी क्योंकि जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों को भी जानना है। नेगेटिव लोगों के लिए तो मैं कभी इस तरह की वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि उनका काम है नेगेटिविटी फैलाना और उनको मज़े लेने होते हैं, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। अब जो भाभी का टॉपिक ख़त्म हुआ, अब फिर से छवि का उखड़ाया। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप छवि का सामान क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके कमरे में क्यों हो, और मतलब बोलने की हद पार कर दी। तो खैर मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझती चीज़ें। जो इस तरह के कमेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं मुझे ये भी पता है कि, और मतलब बाहर वाले लोगों को शायद इतना लेना देना ना हो, लेकिन कुछ जो घर वाले या रिश्तेदार या खुद ही इंसान फेक आईडीज बना बना के कमेंट्स करवाते हैं, तो ठीक है, करवा रहे हो आप तो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ चीज़ों का जवाब आज दूंगी। मैंने मम्मी को बताया ये सारी चीज़ें कि मम्मी ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं सामान के बारे में, और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं कि सामान 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 इतना अल्लाह बचा रखा। तो मम्मी ने जवाब में ये कहलवाया है कि मैं आप लोगों से कह दूँ कि जिन भी लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि हम उसका सामान क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो मम्मी कह रही हैं कि आप अपना सामान ले जाएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा लाएँगे, नया लाएँगे। तो अगर सामान को देख के किसी को बहुत ज़्यादा ही परेशानी है तो आप प्लीज़ इस सामान को ले जाएँ, हम सामान के भूखे नहीं हैं, ये मम्मी ने कहलवाया है। ठीक है, तो जो लोग, जो रिश्तेदार या जो भी है वहाँ से, कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ कृपया करके हमें कोई लालच नहीं है सामान से, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, लोग मुझे बार बार कि शिफा को भूल गए, शिफा को भूल गए, तो क्या कहते हैं आप लोग ऐसे ही करते हैं, काफ़ी मतलब शुरू से ही कमेंट्स आ रहे थे कि आपको ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उसको नहीं करते, ऐसा क्या हुआ जो वो चली गई, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बात नहीं करती, तब आप लोग इतनी बातें बनाते हैं कि क्या कहते हैं उसे विलन बना रहे हैं। मैं कौन होती हूँ किसी को विलन बनाने वाली, या कोई इंसान कौन होता है किसी को कि उसका घर बर्बाद कर दिया। कभी भी आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कोई दूसरा इंसान किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता जब तक बंदा खुद ना चाहे। भाई हस्बैंड वाइफ में प्यार होगा तो कौन मतलब कर लेगा कुछ, मुझे समझ में नहीं आता। और आज के दौर में, पहले ज़माने चलो हुआ करते थे कि जब लोग बड़ों की इज्जत करते थे, जेठानी को पता नहीं क्या सास का ही दर्जा दिया जाता, लेकिन आज का ज़माना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आज का तो ज़माना ये है कि पैर की जूती के नीचे दबा के रखते हैं, चाहे जेठानी हो, चाहे कोई हो, चाहे सास हो। आज के ज़माने में कोई बहू इतना नहीं बर्दाश्त कर रही, पहली चीज़। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, आप लोग यही हमेशा कमेंट करते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे नहीं करते, ये है वो है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैंने कभी नहीं बताई, बल्कि बताती क्या हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। अभी ना 11 अक्टूबर यानी कि परसों हमारी शिफा का बर्थडे था, तो शिफा को हम हमेशा मिस करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो शिफा के बर्थडे पर ना हम लोगों ने वो लगाई थी, शिफा जब इस घर में आई थी तो वो वीडियो लगाई थी, तो वो मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तब आगे वो वीडियो ही आएगी, आप लोग वो वीडियो देखना। उस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ आप समझोगे कि जब शिफा पैदा हुई थी ना और शिफा को घर लेकर आए थे तो क्या हुआ था, ये सब आप लोग ज़रूर देखना। और
मेरा भी आप लोग लिबा के टाइम से ब्लॉग देख रहे हैं, आयरा के टाइम पे तो चलो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ वो ये कि मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हुई हैं। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती लेकिन आप लोग इतना बोलते हैं तो मैं बता रही हूँ, मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हुई हैं, तीनों के में मतलब किसी का भी ऐसा स्वागत इस्तकबाल इतनी खुशी ऐसी नहीं हुई जो शिफा की हुई थी। अब आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, क्या आप वीडियो देखिए और हमारे मम्मी पापा पूरे घर का प्यार देखिए, सब कुछ देखिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, किसी ने हमारे साथ क्या किया, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जितना सब्र हम लोग कर सकते थे हमने किया, हमारे सास ससुर ने किया जितना, मतलब एक होता ना हद से ज़्यादा, और मतलब हद से ज़्यादा जब चीज़ें भी हो जाती है तो वो खुद ही एक बार के बाद फिर अल्लाह का इंसाफ भी तो होता है ना। आप लोग इस बात को तो समझते होंगे कि जब इतना मतलब वो हो जाए कोई इतना हद से ज़्यादा, मैं खैर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, तो अल्लाह का इंसाफ होता है तो वो वाली चीज़ें, सब्र कभी खाली नहीं जाता, बर्दाश्त कभी खाली नहीं जाती। हमारे घर का माहौल नहीं है जैसे मैंने और घरों में देखा है कि इतनी सी बात हुई और बहुओं के ऊपर चढ़ गए, लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। हमारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं घर में किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा हो, अगर कोई बात, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ऐसा नहीं है मैं बेटी नहीं हूँ, अगर मैं बेटी होती तो बात अलग थी, मैं भी उसी सिचुएशन पे हूँ, उसी घर में हूँ, वही सास ससुर है, वही नंद देवर है, सब कुछ है, बल्कि मेरे साथ चीज़ें ज़्यादा हैं क्योंकि मैं दूसरे घर में रहती हूँ, मुझे वहाँ रह के मैनेज करना पड़ता है, मुझे यहाँ भी आना पड़ता है, आप लोगों ने सब देखा है, उसके बावजूद भी मैनेज मैं करती हूँ अपनी। मैं ये नहीं कि मैं आपको बढ़ाई बता रही हूँ, मैं एक मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ और जो मेरे साथ होता है मैं वो बता रही हूँ कि अगर कोई बात जैसे कोई भी सही, हर घर में छोटी मोटी बात तो होती है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही होती, अगर कोई बात मुझे हर्ट कर जाए किसी की भी तो मैं मम्मी से बोलती हूँ, और अगर मैं मम्मी की कोई बात हर्ट हो जाए तो मैं फिर खामोशी जाती हूँ, और मेरी खामोशी से मम्मी समझ, मैं मतलब अगर खामोशी, क्योंकि आप लोगों को पता मेरा नेचर है जॉली नेचर, हंसी मुस्कुराती रहती है, लेकिन अगर वो खामोश हो गई तो मम्मी समझ जाती है कोई बात नहीं, फिर मम्मी मुझसे जब तक पूछ नहीं लेती कि बता क्या बात है, तब तक मम्मी शांत नहीं होती, बता बता, और मैं बहुत देर तक रह भी पाती हूँ, मम्मी 2-3 बार पूछती है और मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे मुझे पसंद नहीं है, तो वो चीज़ है, कोई सास ऐसे नहीं करती है, इतना सपोर्टिव इतना प्यार, आप लोगों ने सब कुछ ही देखा है, बस वो वाली बात है कि शिफा और आयरा के टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं होती थी, अगर ब्लॉगिंग होती तो आप देखते। अच्छा फिर मुझे कमेंट आते हैं कि पहले तो शबी बहुत अच्छी थी, आप बहुत तारीफ करते थे, भाई पहले क्या होता था मैं उसको वीडियोस में लेती थी, वो आती थी मैं लेती थी, और पहले ठीक थी सिचुएशन, जो जैसा चलता था मैं उसी हिसाब से बताती थी, अगर वो कोई, मेरी कभी भी आदत नहीं रही कि भाई अगर वो काम कर रही है तो मैं बस अपना दिखाऊं उसका ना दिखाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जब वो करती थी तो मैं दिखाती थी, जब वो नहीं करती थी तो मैं नहीं दिखाती थी, या कोई भी चीज़ है तो अगर चीज़ें अच्छी थी या कोई आना चाहता है या खुशी खुशी आना चाहता था तो मैं उसे दिखा देती थी बता देती थी, और नहीं आना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, तो वो वाली चीज़ है। तो चीज़ें अच्छी भी होती है कुछ टाइम पर और कुछ टाइम पर ख़राब भी होती है, ख़राब चीज़ें तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाई कि घर में कुछ हो रहा हो और मैं आपको कुछ तमाशा दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, और हालांकि मेरे बारे में सब कुछ बोला जाता है, मेरे पूरे परिवार के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, हमें काफ़ी बातें सुनने में आती है, हमें बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, पर कोई बात नहीं, वो अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह देखेगा कौन सही है कौन गलत है, वो सब अल्लाह इंसाफ करेगा, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं बताऊँगी कि हमें ऐसा कहा गया या हमारे साथ ऐसा हुआ, जो हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है, किसने अन्याय किया है और किसने सब्र किया है ये अल्लाह जानता है, अब बाकी सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। रही शिफा की बात, तो शिफा ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा माँ के पास ही रहता है तो वो अपनी मम्मी के पास है और वो जहाँ भी होगी खुशी होगी, हम तो बस ये उम्मीद करते हैं, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी का बच्चा उससे छीन लो, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बस ठीक है वो अपनी माँ के साथ है, खुश है जहाँ भी है, उसकी मम्मी भी खुश होंगी, तो कहने का मतलब बस इतना है, बहुत सारी चीज़ों में से निचोड़ ये है कि हमें मतलब आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि हम सामान के भूखे हैं या इसी सामान से हमारा सारा गुजर बसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सामान की अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो वो आके अपना सामान ले जा सकते हैं, ये मम्मी कह रही है, और बस आप लोगों को ये बताना था। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ जो कि शिफा के इस्तकबाल पे बनाई गई थी, ठीक है।
आ रहा था देखो आयरन ने वो पहन रखा है, हाथों में बाजू बंद सब यहाँ पर आयरन का बाजू बंद ही तो देखेंगे आयरन सही लग रही है इसमें, जैसे वैसे इतनी पतली सी थी इसमें सही लग रही है, गाल तो निकले वैसे ही लग रहे हैं इसके यहाँ पर मम्मी जब हम लेकर आए थे मतलब शिफा को, तो काफ़ी लोग तो यही सोचे थे कि लड़का ही हुआ है क्योंकि इतनी धूमधाम से ला रहे हैं तो लड़का ही हुआ है। बाजी का सूट कितना प्यारा लग रहा है, कैसे पहनती है ये, काट की दिया, अच्छा काट रहे ये अप्पी है, आयरा अप्पी है, ये छोटी सी आयरा अप्पी है और ये स्वागत हो रहा है लिबास शिफा अप्पी का, इसे नहीं बता हाँ। बस 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 ये रही शिफू मम्मी छोटी बीबी शिफा की तरह ही लग, तो बस जी ये है हमारी शिफा और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, और मैं मम्मी से यही कह रही थी कि मम्मी ये जो हमारी छोटी बेबी है ये शिफा की ही शक्ल में काफ़ी मिलती है, तो मम्मी भी कह रही थी हाँ। और आयरा देखो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है सॉरी आयरा को आप देख सकते हैं कि आयरा कितनी ज़्यादा खुश है और वो कितना प्यार कर रही है, आयरा जितना आप प्यार कर रही है ना शिफा से, मुझे नहीं लगता कि इसका प्यार ज़रा भी कम हुआ है, ये आज भी बहुत याद करती है शिफा को, इवन कई बार बहुत रोती है, तो मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा नहीं रोते शिफा, अपनी मम्मा के पास है, अपनों में है, खुश है, तो मम्मा मुझे लेकिन उसकी बहुत याद आती है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, मैं जैसे कई बार कहती हूँ कि बेटा आप उसे भूल जाओ, तो बस वो यही कहती है कि नहीं मम्मा मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती, और ये बात फैक्ट है कि आयरा शिफा को कभी नहीं भूल पाएगी, भले ही शिफा भूल जाए लेकिन आयरा कभी भी नहीं भूल पाएगी। यहाँ पर आप सबके चेहरे की खुशी देख सकते हो, ये खुशी कोई ये नहीं है कि मतलब अब हम लोग कर रहे हैं उनके जाने के बाद, ये बहुत पुरानी बातें हैं और सभी इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, मैंने जैसे कि मैं मम्मी से बात भी करी थी तो आपने सुना होगा, तो मोहल्ले पड़ोस वाले सब यही सोच रहे थे कि ये एक बेटा है और बेटी के लिए ही इतनी खुशी होती है, आप लोग को पता ही है, लेकिन माशाल्लाह ये बेटी थी और बेटी के लिए इतनी ज़्यादा खुशी की गई है, और ये किसी को दिखाने या कुछ के लिए नहीं था, ये सब अपनी ही मतलब वो थी, तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बातें बनाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तुम्हें वो करते हैं, अच्छा इसमें ये अभी ना हम लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, एक मोमेंट भी आएगा जब मैं और शबी दोनों ही बैठे होंगे, तो आप वो जब फोटो सेशन कराएंगे तो आप वो मोमेंट भी देखना। कहते हैं ना कि इंसान प्यार खुद लेता है किसी का, जब हम किसी को प्यार करेंगे तो सामने वाला भी हमसे प्यार करने लग जाएगा, लेकिन जब हम ही बिल्कुल किसी को पूछेंगे नहीं, अपने घमंड में रहेंगे, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, तो फिर ठीक है, फिर वो आगे भी रिश्ते ही होते हैं, सास का या ननद का कुछ भी होता है तो ठीक है, वो भी फिर वैसे ही रहते हैं, तो ये अपने ऊपर होता है, तो ये चीज़ अभी आपको आगे और दिख जाएंगी। और ये देखिए बड़े पापा भी कितने ज़्यादा खुश हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब हम सबकी खुशी आप लोग हमारे चेहरों से देख सकते हैं, तो ये एक मोमेंट था बहुत ही प्यारा और अच्छा है, हमारे पास ये यादें रह गई हैं, अब हम यही देख लिया करेंगे, तो शिफा के बर्थडे पे ना हमने यही लगा लिया था, और भी हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें की हैं, तो वो अपने आप को खुश करने के लिए या कुछ भी आप लोग कह सकते हैं इसलिए किए हैं। तो मुझे दुख होता है कि जब आज भी कुछ लोग कहते हैं कि आप शिफा को याद नहीं करते, तो हम शिफा को याद करते हैं या हम शिफा से कितना प्यार करते हैं, ये हमें किसी को दिखाने की हाँ
तो यहाँ पर ये जो रेड सूट में ये बाजी की बेस्ट फ्रेंड है और मोहल्ले पड़ोस के सभी बच्चे आ गए थे और क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग फ़ोटो सेशन करा रहे थे। तो ये वीडियो वाला जो है ये बाजी ने ही बुलवा लिया था और ये भैया बैठे हुए हैं, तो ऑल आर वेरी एक्साइटेड। और फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बातें भी बनाते हैं कि उसका बेटा हुआ था और बेटे को कुछ हो गया, तब से चीज़ें बिगड़ गई हैं। बेटे को कुछ नहीं हुआ, पहले से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने जो करना था या हमने जो करना था, सबने सब कुछ अपने तरीके से एंड से अच्छा ही किया, सब बेहतर किया, बाकी सब अल्लाह के हाथ में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आयरा किसी को छूने भी नहीं दे रही अपना छोटा बेबी, और उसको बैठ के वो दूध भी पिला रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मैं ये मानती हूँ कि आयरा लिबा से भी उतना प्यार नहीं करती जितना वो शिफा से आज भी करती है, बचपन से ही करती आई, क्योंकि वो उसके साथ की है ना। शिफा आयरा से 1.25 साल छोटी है, 1.5 साल छोटी है हम। तो उसने पहला छोटा बच्चा शिफा को ही देखा था और उसी के साथ रहती थी पूरा पूरा दिन। आप लोगों ने मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे, शिफा हमारे पास ही रहती थी तो उस घर पे। तो वही है कि बच्चे जब ज़्यादा साथ रहते हैं, पास रहते हैं, तो वो मोहब्बत उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं बस आप लोगों को हाँ यही बता रही थी कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, ये हमें आप लोगों को दिखाने, जताने या बताने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, हमारा दिल जानता है। और यहाँ पर ये फैमिली फ़ोटो हो रहा है बाजी और ये दोनों भाई, ये लोग बाजी कह रही मुझे भी लो, मुझे भी लो, तो फैमिली फ़ोटो में। तो वो जो मैं आपसे बात कर रही थी वो ये थी। अब देखो यहाँ पर चल रहा है हम सबका फ़ोटो सेशन। अब आप सोचे होंगे कि मेरी सास ने फिर मुझे गले लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, मैं खुद ही उनके पास चिपटी हुई हूँ तो वो मुझे प्यार कर रही हैं। अब कोई नहीं चिपट रहा तो ज़बरदस्ती तो किसी को चिपटाया जाता नहीं है ना। तो वो वाली चीज़ है कि प्यार इंसान को खुद भी लेना चाहिए, बड़े तो होते ही हैं सबको प्यार देने के लिए, लेकिन अगर कोई खुद लेना चाहे तो उनसे बहुत सारा ले सकता है, और नहीं लेना चाहे तो फिर भैया उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बस हम सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था, और मुझे वैसे ये सब बातें करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब लोग ज़्यादा ही बातें करने लग जाते हैं और ज़्यादा ही फ़र्क करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं जाती तो मैं मुंह बना के बैठ सकती थी कि जी मेरे बच्चे का तो हुआ नहीं, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन नहीं, सबके साथ खुशियों में खुश रहना इंसान को चाहिए और तभी अच्छा लगता है।